नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी डी इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की स्थानीय प्राधिकारी क्षेत्र की 27 सीटों पर चुनाव में मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी ने 24 सीटें जीत ली। मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खोल सका। इसके साथ ही भाजपा ने राज्य विधान मंडल के उच्च सदन में भी बहुमत हासिल कर लिया। निर्वाचन आयोग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि 27 सीटों के लिए मतगणना सुबह 8 बजे शुरू हुई, जिसमें भाजपा ने शुरू से ही बढ़त बना ली। दोपहर बाद घोषित परिणाम में भाजपा ने 27 में से 24 सीटें जीत ली, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी, आजमगढ़ और प्रतापगढ़ सीट पर पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ा। हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में 111 सीटें जीतने वाली सपा का विधान परिषद चुनाव में खाता तक नहीं खुला। उसे अपने गढ़ माने जाने वाले इटावा, फर्रुखाबाद और आजमगढ़ में भी शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। घोषित परिणामों के मुताबिक भाजपा ने मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, सीतापुर, लखनऊ उन्नाव, रायबरेली, सुल्तानपुर, बाराबंकी, बहराइच, गोंडा, फैजाबाद, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, इलाहाबाद, झांसी, जालौन, फर्रुखाबाद, आगरा, फिरोजाबाद, मेरठ, गाजियाबाद और मुजफ्फरनगर, सहारनपुर सीटें जीत ली। विधानसभा की 36 सीटों के चुनाव में से 9 सीटों पर भाजपा प्रत्याशी पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं। बाकी 27 सीटों के लिए पिछले शनिवार को मतदान हुआ था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद चुनाव में भाजपा की कामयाबी पर सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को बधाई।